उच्च जनता ने श्री बुद्ध अमरनाथ जी राजपुरा मंडी की विच्छेदी यात्रा पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की। पूंछ की जनता ने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से जिला पूंछ में वार्षिक आयोजन छड़ी यात्रा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया। श्री दसनामी अखाड़ा मंदिर पूंछ से श्री बुद्ध अमरनाथ मंदिर राजपुरा मंडी तक की यात्रा में सभी समुदाय भाग लेते हैं और आते हैं। हर साल यह रक्षाबंधन त्यौहार से 2 दिन पहले होता है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो हमारे समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है। यह आध्यात्मिक महत्व का दिन है और हजारों भक्त इस उत्सव में बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। अंत में एडवोकेट भानु प्रताप, भाजपा नेता नीसू शर्मा, अमंडावर अभिषेक शर्मा, सुर प्रताप, संजय बजाज, सुमेर बख्शी, जिला पूंछ के अन्य लोगों ने उम्मीद जताई। अधिकारी इस महत्वपूर्ण मांग पर निर्णय लेंगे। संवाददाता अमरजीत सिंह। हमें बहुत अच्छा प्रेम मिलता है, सुकून मिलता है और यहाँ के जो हिंदुओं को मनोर पढ़ने के लिए हमें आते हैं। आप तो ठीक है, 16 साल का 16 भी आता है मेरी पहली का बच्चा, बहुत ठीक है यहाँ। तो यहाँ पर कैसा आपको एग्जाम लगा है? यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम लगा। पूंछ वासियों का कैसा है? बहुत अच्छा प्रेम। अभी मैं यात्रा और आनी चाहिए, अभी यात्रा इतनी नहीं है जितनी पिछले साल थी। इस पिछले साल के मुकाबले इस बार यात्रा कम है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ लोग आकर जुड़ें। यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पूंछ है ये बहुत खूबसूरत एरिया है। मैं जम्मू से हूँ पर मैं यहाँ कोर्ट में काम करता हूँ और मुझे भी ये अच्छा लगता है। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, जम्मू के रियासत से बाहर के लोगों को भी यहाँ आने के लिए प्रेरित करें कि हमारा जो पूंछ है यहाँ बुड्ढा अमरनाथ यात्रा चलती है। यहाँ बुड्ढा अमरनाथ यात्रा जो है ये कई 100 वर्षों से पहले चली आ रही है, और जैसे अमरनाथ की यात्रा है मैं चाहता हूँ कि जैसे अमरनाथ की यात्रा चलती है बुड्ढा अमरनाथ की भी यात्रा चलती है। जितेंद्र दास महंत पंकी हनुमान मंदिर कानपुर महानगर, यहाँ पर हम लोग आए हैं यात्रा लेकर। बाबा की यात्रा में करीबन हमारे हाथ में 800 लोग, जिसमें नर नारी बच्चे सभी लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ की जनता के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर प्रेम व्यवहार का भी आए हैं कि अमन रहे, ये बाबा से अपील करने आए हैं कि यहाँ के भटके हुए नौजवानों को पुनः वो सत मार्ग पर लाएँ और उनको ये सिखाएं कि ये देश आपका है, ये आपका घर है, इसको ना जलाएं तो भी आप भी जल रहे हैं। 800 लोगों की संख्या है सर, जैसे तो यही संदेश देंगे कि हमारे साथ में देखिए हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, सभी लोगों ने यहाँ पर भाईचारा निभाया है। अभी आप मंच पर देख रहे थे कि सभी भाई लोग एक मंच के ऊपर बैठे थे, सब लोग स्वागत कर रहे थे। यही कहेंगे कि वहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सब एक हैं। ये बात जो दिखाया जा रहा है, ये बाहर के मुल्क जो दुश्मन मुल्क है वहाँ के लोगों को भेज कर यहाँ ये आतंकवाद का, इसे जम्मू कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है, तो उस बदनामी को ख़त्म किया जाए। तो क्या मैसेज देना भारतवर्ष में? मैं भारतवर्ष में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ अमन है, यहाँ बिल्कुल भाईचारा है। आप लोग यहाँ पर कश्मीर में आइए, टूरिज्म बढ़े, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार बढ़े। जब यहाँ यात्री आएगा, टूरिस्ट आएंगे, तब यहाँ रोज़गार गाड़ी वाले को गाड़ी के लिए अन्यंत रोजगारों के खेल होंगे, तभी यहाँ का जो है नौजवान अपने आप में खड़ा हो पाएगा। तो हमको भारतवासियों को ये मैसेज देना है कि आप अधिक से अधिक संख्या में कश्मीर आज की यात्रा करें। जय श्री राम।
आपको जो बाबा बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा है, इसमें यहाँ पुंछ में आकर आपको कैसा लग रहा है? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के हिंदू भाई जो हैं बहने अच्छा हम लोगों का स्वागत भी करते हैं, और यहाँ अपना तो हम लोगों को लगता है नहीं, हमारे भाई बहन यहाँ सब हैं। वो तो कभी इनको दिक्कत समस्या भी आएगी, पूरे देश का बजरंग दल, पूरे देश का हिंदू, हम यहाँ सब लोगों के साथ खड़े हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और कोटि के लिहाज से जाने के बाद हम लोग बताएंगे कि नहीं, हम लोगों के साथ कदम कदम पे तो यहाँ आर्मी लगी रहती सुरक्षा के साथ, और उसके बाद यहाँ इतना स्वागत होता है, इतना अच्छा लगता है। तो कोशिश करेंगे कि इस बार इससे ज़्यादा लोग हम लोग आए वहाँ से, और यात्रा ज़्यादा ज़्यादा अच्छी से आए और सफल बनाए हम लोग। आप कहाँ से आए हैं और इस यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो यात्रा परिषद बजरंग दल के द्वारा रखी गई है, वो 1998 से ये यात्रा चल रही है। बजरंग दल के सारे साथी और विश्व हिंदू परिषद का सहयोग हम लोग यहाँ पे आते हैं हर साल अगस्त के महीने में, और खूब मज़े से धार्मिक रूप से हम लोग ये यात्रा करते हैं बाबा बुड्ढे अमरनाथ की। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, लोग बहुत ही उत्साह में हैं, हमारी बहुत अच्छे से आवभगत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अच्छे से, सब उत्साह में हैं। बाकी सब अच्छा है, बाबा का आशीर्वाद है, उसमें मज़े ही आते हैं। आप मीडिया वालों का कि आपके माध्यम से ही हर बात जो है जनता तक पहुंचती है, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती है। ठीक है, तीसरा दिन यात्रा का आज भव्य यात्रा है, अच्छा स्वागत किया गया है, पुंछ की जनता सारी कंधे से कंधा मिला के यात्रियों का स्वागत कर रही है, जनता जो है वो यात्रियों का स्वागत कर रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो पिछले काफ़ी सालों से ये डिमांड रही है हमारे पुंछ के लोगों की कि छड़ी के दिन जब छड़ी निकलती है पुंछ से, हर जगह पर स्टाल लगे होते हैं, पुंछ से लेके डिंगले में, बंगाली में, मंडी में, रास्ते में आए आप कहीं ना कहीं स्टाल कहीं ना कहीं लगे होते हैं, हर चीज़ के स्टाल, और उसकी छुट्टी नहीं होती है। और छुट्टी ना होने के कारण क्या होता है कि जनता कम से कम जाती है और छड़ी की रौनक कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और हर आदमी चाहता है कि मैं छड़ी के साथ जाऊँ, हर मजहब का आदमी चाहता है कि हम छड़ी के साथ जाऊँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक साल का हमारा उत्सव है जो साझा उत्सव मनाते हैं यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग। तो मेरे लिए सबसे अपील रहेगी दिल की गहराइयों से और जनता की तरफ से भी अपील रहेगी कि छड़ी वाले दिन छुट्टी की जाए, ताकि पुंछ का हर आदमी, हर बच्चा जो इसमें शामिल हो, और छड़ी की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो छड़ी का मज़ा होगा। छड़ी में संख्या कम होती है, स्टॉल हमारे वेस्ट हो जाते हैं, खाने वाला कोई नहीं होता, इतनी मेहनत से लोग स्टॉल लगाते हैं। तो एक बार फिर मेरी आपके माध्यम से जो अपील रहेगी डीसी साहब से कि डीसी साहब प्लीज़ इस बार छड़ी करिए, वो आप छुट्टी करें। तो कहाँ के रहने वाले? क्या आप पुंछ में पहली दफ़ा आए यात्रा कर? मैम आपको यात्रा आप सुबह करीबन 5 बजे आपको कैसा? हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सुविधा है, यहाँ का सत्कार बहुत अच्छा लगा, रास्ते में हमें जवानों ने बड़े अच्छा पसंद किया है, यहाँ पे अच्छा लगा, हमने अच्छा जी नहीं जैसे कि आप जी यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ जैसे यात्रा में हमारी मदद की है, सरकार भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि आप आओ, आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है, कोई भी ऐसी नहीं लगेगा कि आप हो या फिर ऐसी कोई जिम्मेदारी है, बहुत अच्छा लगता है, आइए यात्रा कीजिए, इस यात्रा का मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप हैं, आप जानते हैं कि ये पिछले लगभग मैं कहूँगा कि 40-50 साल से एक डिमांड की जा रही है, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जनता ये चाहती है कि जब रक्षाबंधन से 2 दिन पहले छड़ी मुबारक होती है, छड़ी का पावन ये जो यात्रा पैदल पुंछ से दशनामी अखाड़ा पुंछ से निकल के बुड्ढा अमरनाथ शंकर भगवान के मंदिर में जाती है, मंडी तक जाती है, तो उस दिन सारे लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। ये जो छड़ी यात्रा है ये भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक है, इसमें सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए लोगों की बहुत पुरानी डिमांड है कि इस दिन छुट्टी होनी चाहिए, हर साल जब छड़ी हो तो उस दिन छुट्टी हो, ताकि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सकें, चाहे वो यात्रा में जाके या कुछ लोग साथ में चाहते हैं, जैसे वो मंडी के हैं, सातरा के, चंडक के, डिंगला के, नंगाली साहब के, कि वो यात्रा का, छड़ी यात्रा का स्वागत करें, तो उस दिन अगर छुट्टी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ मिल के इसका स्वागत कर सकेंगे और इसका पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसलिए एक बार फिर एलजी इंतजामिया से हमारी ये पुंछ की पूरी जनता की एक रिक्वेस्ट है कि इस दिन छड़ी के वाले दिन छुट्टी की जाए और गेस्टेड हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। धन्यवाद, जय हिंद।
क्या कुछ कहना? गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म सतगुरु श्री गुरु नमः। जैसे कि आप देखते हैं कि आज जो यात्रा का जो तीसरा दिन बहुत ही अच्छा रहा, लोकल लोग भी बहुत इसमें आए और आज 700 यात्रा के लगभग 700 के लगभग यहाँ पे यात्रा आई। और ये बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है ये हर साल चल रही है, बहुत ही अच्छे और दिनों दिन ये बढ़ रही है। और हम यहाँ पे थोड़ी सी बातें जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम एक करना चाहते हैं कि पहले भी यहाँ पे जब मेन जो छड़ी फंक्शन जो छड़ी की यात्रा होती है, जो पूंछ की जो स्थाना को है शनिवार के दिन छड़ी यात्रा यहाँ पूंछ से मंडी की ओर प्रस्थान करेगी, तो ये हर साल यहाँ पे वादे किए जाते हैं। जब यहाँ पे दशनामी अखाड़ा में होता है वो बोलते हैं कि हर साल हम जो छुट्टी जो डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ पे हमें छुट्टी डिक्लेयर करनी है, कैलेंडर में बकायदा आएगा, ये ऊपर तक पहले भी बात गई है, हर साल यही डिमांड होती है, एक छोटी सी डिमांड जो आज तक नहीं कर सके हैं। तो हमारा यही है कि इस डिमांड को पूरा किया जाए, क्योंकि ये होटल भी इसमें बड़े इन्वॉल्व होते हैं जब छड़ी यात्रा यहाँ पर होती है। और हमारा यही है कि ये लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है इससे ये है कि ये इस काम को कम से कम इतना ही करवा देंगे, जो छुट्टी है इसको जो है वो करवा के दें हमें, तो इतना ही हमारा इससे एक हम सब पूंछ की तरफ से उन सबका जो है स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि जिस प्रकार पिछले 2005 से लेकर आज तक जैसे यात्रा जो है बड़ी ही खुशहाल तरीके से जो है पूंछ के अंदर आ रही है। और आप देख सकते हो कि पूंछ की जनता जो है चाहे वो किसी भी तबके से जो है ताल्लुक़ रखते हों, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, वो सारे लोग जो है यहाँ पर जो है यात्रा का वेलकम करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यात्रा का बड़ी भरपूर तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं। इस बार भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतज़ाम जितने भी किए गए हैं आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा जिला इंतजामिया से डीसी साहब से कि जब भी छड़ी का दिन होता है छड़ी के दिन जो है हमें छुट्टी डिक्लेयर की जाए, छुट्टी होनी चाहिए छड़ी के दिन, क्योंकि हमारे जितने भी तमाम सनातनी लोग हैं वो सारे जो है वो छड़ी मुबारक के साथ जो है यहाँ से लेकर जो है मंडी तक उस दिन यात्रा करते हैं। लेकिन हॉलीडे ना होने के कारण जो है वो लोग यहाँ पर जो है छड़ी के साथ नहीं जा सकते, जिसकी वजह से हमारी यात्रा में भी कमी आती है। तो मैं जिला इंतजामिया से खासकर जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि छड़ी के दिन जो है यहाँ पर छुट्टी डिक्लेयर की जाए, जिससे जो है हमारे तमाम सनातनी लोग जो हैं वो छड़ी के साथ जा सके। मैं एक मरतबा फिर से जितने भी प्रांतों से आए हुए यहाँ पर यात्रीगण हैं उन सब का जो है पूंछ की धरती पर महर्षि प्लस धरती पर भोलेनाथ की धरती पर जो है स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ कि वो इसी तरह बढ़ चढ़ कर हर साल हर वर्ष जो है वो यात्रा में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर जितने भी यहाँ पर लोग हैं यात्रीगण हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रांतों के, तो सारे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, हमारा पूंछ घूमें और यहाँ पर जो है भोलेनाथ के दर्शन करें। बहुत बहुत